जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप भी रेलवे में फॉर्म भरने वाले हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी चाहे आरआरबी टेक्नीशियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्नीशियन के फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि है या एक अवधि है वह फिर से बढ़ाई गई है, यानी कि एक मौका विंडो क्लोज होने के बाद फिर से अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, क्योंकि रेलवे ने इसके बाबत जवाब दिया है कि कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक की ही वैकेंसी थी, जबकि बाद में करीब करीब 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी उसमें जुड़ी है, जो कि कैटेगरी नंबर 19 से लेकर कैटेगरी नंबर 40 तक के लिए है। तो नए जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता रहने पर ही वे आवेदन कर सकते हैं, और इसके अलावा एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें एक सबसे ज़रूरी बात जो होती है वह होती है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, ताकि आपको बाद के समय में दिक्कत ना हो। तो मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरते समय वैसे ही पोस्ट को अब ऊपर रखें या आपके शुरुआती प्रेफरेंसेस में रखें जिसमें कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होता हो। मेडिकल स्टैंडर्ड बोलें तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2, A3, B1, B2 और C1, C2 होता है। A1 सबसे बेहतर है और C2 सबसे लोअर मेडिकल है। अगर आप चश्मा लगाते हैं, आपके पावर में इशू है, आपका बिना चश्मा के 6x6 आँख नहीं है, तो फिर आप A1 मेडिकल को फुलफिल नहीं करते हैं। A2 मेडिकल के लिए अगर आपका 6x9 तक विदाउट ग्लास है तो आप A2 मेडिकल को फुलफिल करते हैं, और यदि चश्मा लगा करके आपका आपका 2D ग्लास एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो बिना 2D ग्लास को एक्सीड किए यदि आपका चश्मा के साथ पावर 6x9 या 6x12 तक है तो आप A3 B1 मेडिकल को फिट करते हैं, बशर्ते कि कलर विजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलर विजन है तो आप B2 C1 C2 मेडिकल क्राइटेरिया में फिट होते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आप C1 मेडिकल की पोस्ट भरें। पहले C1 मेडिकल की पोस्ट नहीं थी, लेकिन बाद में जब वैकेंसी पड़ी तो वर्कशॉप की जो वैकेंसी आई है वह C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की होती है। इसी प्रकार आपका अगर NTPC में बात करें तो NTPC में भी आपका जो क्लरिकल पोस्ट है आप देख लेंगे किस पोस्ट पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे कि आपके आँख का पावर क्या है, बिना चश्मा का क्या है, चश्मा के साथ क्या है, और खूब अच्छे तरीके से उसके नियमों और शर्तों को पढ़ने के बाद ही आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरेंगे, ताकि आपका बेहतर मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप आराम से फिट कर जाए वैसे पोस्ट्स को। अगर आपके आँख में दिक्कत है, अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो बेहतर होगा कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट को ऊपर रखें। वैसे भी टेक्नीशियन में अगर आप वर्कशॉप का पोस्ट लेते हैं तो वर्कशॉप प्रेफरेंस डालते हैं तो वर्कशॉप में आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलता है, 7,000, 8,000, कहीं 10,000, 20,000, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर वो मायने रखता है। जिससे आप पंजाब अम्बाला वगैरह के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई वर्कशॉप है जहाँ पे आपको 20,000 रुपये तक की इंसेंटिव मिलती है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप वर्कशॉप का पोस्ट चुनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई लॉस नहीं है, कोई पछतावा नहीं होगा, और बेहतर तरीके से आप मेडिकल को फिट भी कर जाएंगे। उसी प्रकार आप NTPC में भी क्लरिकल पोस्ट को चुनेंगे तो वहाँ आपको बेहतर जॉब नेचर भी है और ऑफिशियल टाइप का आपको जॉब मिलेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको लोअर लगेगा। तो ऐसा ना हो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो हो और आप हाई मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट को अव्वल प्रेफरेंस में रख लें ताकि बाद में आपको दिक्कत हो। तो ऐसा नहीं करना है, खूब अच्छे से किस पोस्ट पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं उस हिसाब से लोअर मेडिकल की ओर ही आप जाएं। और अगर आपका मेडिकल बेहतर है तो निश्चित तौर पर आप ASM, गुड्स गार्ड वगैरह जैसे पोस्ट को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं और उनका लगातार कमेंट आ रहा था, लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि इस बात को आप, चूँकि रेलवे में मैं हूँ तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को भरते समय खूब अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद ही चुनें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।